हेलो एवरीवन, मैं हूँ पल्लवी फ्रॉम पल्लवी ब्यूटी जोन और हम आ गए हैं आज का नया ब्लॉग लेकर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं थ्री रबड़ बैंड के साथ हम करने जा रहे हैं एक यूनिक सा स्टेप विद लेयर कट। और इसके लिए हमने जो है आपको पहले से ही बता दिया था कि हम डेट के अकॉर्डिंग रबड़ बैंड बढ़ाते जाएंगे। आज डेट है 3 जनवरी और आप देखिए 1 एंड 2 एंड 3 थ्री रबड़ बैंड का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हमने 3 पोनीटेल बनाई है और 3 पोनीटेल बनाकर हम जो है करने के लिए जा रहे हैं आज का स्टेप विद लेयर कट। तो पूरे वीडियो को देखते रहिए और जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारी हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम आपके लिए हर रोज़ इस तरह की यूनिक जो है कटिंग्स लेकर आएँ। आपको बताएं, बिगनर्स के लिए बहुत दी बेस्ट है। बिगनर्स बहुत ईजी तरीके से इन कट को बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं, उनके हैंड जोन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके साथ आप इस कट को फिर जो है प्रोफेशनली तरीके से भी बहुत आराम से करने पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है आप देख लीजिए, हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाला और ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल कर हमने जो है एक रबड़ बैंड जो है बिल्कुल टॉप पे लगा दी है। इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है इसी तरीके से आपने लगानी है। और फिर हमने जो है बैक साइड के 2 पार्ट किए और एक पार्ट पे हमने जो है बिल्कुल टॉप पे ले जाकर हमने हमारे क्राउन एरिया के बिल्कुल टॉप तक लाना है, क्राउन एरिया तक लाना है और वहाँ पर लाकर हमने जो है रबड़ बैंड से टाई कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे तरफ भी सेम जो है रबड़ बैंड को टाई कर देना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए ये। इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हम स्टेप कट करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम क्लाइंट से लेंथ का पूछें तो देखिए लेंथ ऑलरेडी इनकी बहुत लॉन्ग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो हमारी बैक साइड की लेंथ है हम इसे पहले से ही जज करके रख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारी बैक साइड की लेंथ है। अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो ये बहुत लॉन्ग जाएगी। अभी हमने इसे ऊपर टाई किया है इसलिए जो है आप देख सकते हैं ये लेंथ जो है सिर्फ यहीं तक आ रही है, यानी कि ये लेंथ सिर्फ यहीं तक है। हमारे इतने हेयर जो है वो फ्रंट हेयर जो है वो एक्स्ट्राज हैं। तो हमने इसे कट कैसे करना है हम पहले सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। कट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बैक लेंथ का ध्यान रखते हुए हमने बिल्कुल जो है इस तरीके से अप साइड में हेयर तक लेकर जाना है अपने हैंड को और वहाँ पे ले जाकर अपने हैंड को होल्ड करना है। मैं फिर से आपको थोड़ा दूर करके बताती हूँ। इस तरीके से हेयर को बिल्कुल टॉप तक लेकर जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जाना है, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। और हमने जो है बिल्कुल बारीक सा जो है वो कट करना है। कटिंग हमेशा कस्टमर के उस पर ही हमने करनी है कि कस्टमर को लेंथ कितनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से कभी भी लेंथ को कट नहीं करेंगे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टमर को लेंथ कितनी चाहिए। ये हमारी बैक लेंथ है आप देख सकते हैं, लेकिन हमने इसे जो है वर्टिकल में कट नहीं करना। ये जैसे जिस तरीके से मैंने होल्ड किया है हम स्टेप कट कर रहे हैं, हमने इसे हॉरिजेंटल में होल्ड करना है, हॉरिजेंटल में ही कट करना है। इसलिए हम अपनी बैक लेंथ का ध्यान में रखते हुए हम जो है यहाँ तक इसे कट कर देंगे। तो हमने बिल्कुल इसे इस तरीके से कट कर देना है। देखिए सेम टेक्निक का यूज़ हम इधर की साइड भी करेंगे। अब इसको हमने कैसे जज करना है, हमने दोनों पोनीटेल्स को साथ में लेना है देखिए और इसे बिल्कुल अप तक ले जाते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है आप गाइडलाइन का देख सकते हैं, ये हमारी गाइडलाइन है और हमने बिल्कुल इसके जो है इसको देखते हुए इसको जज करते हुए ही कट करना है। अब फिर से हम एक बार इसकी जजमेंट ले लेंगे कि ये हमने सही किया है या नहीं। ये आप देख सकते हैं हमने बोथ साइड जो है अच्छे से कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो है बिल्कुल इक्वल है, हमने बिल्कुल इक्वल में गाइडलाइन के थ्रू ही इसे कट किया है। अब जो है
हमने फ्रंट साइड कट करना है, तो आपने अब कैसे कट करेंगे, इसे कट करनी है वो भी इस पे कि कस्टमर को कितना लॉन्ग और कितना शॉर्ट चाहिए, तो वो आप इस तरीके से जज करेंगे। बैक साइड से अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं इसे टॉप पे ले जाकर कट करूँगी तो देखिए इतने हेयर हम कट करेंगे। मैं यहीं से अगर होल्ड करूँ तो हम यहाँ तक, तो देखिए अब हमने फ्रंट साइड का जो कट करना है वो हमने कस्टमर के अकॉर्डिंग कट करना है कि कस्टमर को फ्रंट कट जो है कितना लॉन्ग चाहिए कितना शॉर्ट चाहिए। आप इस कट को नोज तक कर सकते हैं, चिन तक कर सकते हैं, आप चाहे तो चिन से लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो हमारी जो क्लाइंट है उसे चिन से लॉन्ग चाहिए, तो हम इस कट को करने के लिए चिन से बहुत लॉन्ग हम लेकर जाएंगे। तो हमने इस तरीके से कट को करना है। बस ये कट करने के बाद हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो बैक साइड होगा वो और जो हमारा फ्रंट साइड का लेयर होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा जो कट है वो रेडी है, और अगर हमने इसे जज करना है कि ये हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं, तो हमने बैक और फ्रंट दोनों को एक बार हम कॉम करके चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जब कट किया था तो भी मैंने आपको बताया था ये हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल आ चुका है, हमारी लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जो है आप देख सकते हैं कट मैंने आपको तीनों साइड से करके दिखा दिया है। ये हमारा स्टेप विद लेयर कट है। अब हम रबर बैंड को है जो कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं आपको इसका जो है फ्रंट लुक दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट लुक जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेयर में आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक लेयर कट जो है इसमें क्रिएट हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये बहुत खूबसूरत जो है लेयर कट में आ गया है, ये बहुत खूबसूरत लेयर कट में आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत लेयर्स आ गई हैं बोथ साइड। ये देखिए अभी आपको मैं बैक का दिखाती हूँ। ये बैक पार्ट है और ये हमने स्टेप में किया है, इसे हम स्टेप विद लेयर कट बोलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा स्टेप कट भी रेडी है। ये देखिए स्टेप बहुत खूबसूरत से स्टेप आ गए हैं इसके अंदर। तो ये स्टेप कट हमारा बहुत खूबसूरत हो गया है। आप देख सकते हैं स्टेप कट भी हमारा प्रॉपर से आ गया है। ये लेयर्स देख सकते हैं आप, और नीचे तक हमारे स्टेप, ये देखिए स्टेप कट भी बहुत खूबसूरत आ गया है। ये हमारी लेंथ है और उसके बीच में जो है हमने छोटे छोटे स्टेप की लेयर्स दे दी हैं। तो हमारा अगर हम बैक साइड प्रॉपर पूरा करें तो बहुत खूबसूरत जो है ये कट आएगा। यस, तो ये देख सकते हैं आप बहुत खूबसूरत लेयर्स जो है वो आ चुकी है स्टेप की और लेयर्स की, दोनों की लेयर्स बहुत खूबसूरत है। ये कट बहुत खूबसूरत लगा। आपको ये कट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये टेक्निक आपको कैसी लगी स्टेप विद लेयर कट की। हम डमी में ड्राई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इसमें ड्राई करना है तो अपने बैक साइड जो है वो सारा आउटवर्ड में करना है और फ्रंट साइड को आपने इनवर्ड में करना है। तो ये कट आपका बहुत खूबसूरत निकल के आएगा। अगर आपको ये कट बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूं पल्लवी फ्रॉम पल्लवी ब्यूटी जोन।